गुरुवार को बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष अवधेश यादव की अध्यक्षता में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दिया गया, जिसके संबंध में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि बाबा साहब ने भारत की आज़ादी के बाद देश के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया है। बाबा साहब ने हमेशा से कमजोर और पिछड़े वर्ग के अधिकारों के लिए काम किया है। वह एक प्रख्यात अर्थशास्त्री, कानूनविद, राजनेता तथा समाज सुधारक थे। वे अपने प्रगतिशील कृतित्व और रोशन व्यक्तित्व के कारण आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार त्रिपाठी, संजय पहलवान, अखिलेश यादव, ब्रिजेश कुमार, श्यामदेव निषाद, विक्की निषाद सहित अन्य समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव ने कहा, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, 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 अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनके बनाए हुए संविधान से आज देश चल रहा है, लेकिन इधर आने वाले समय में देखा गया कि हमारे संविधान के जो मूल विचार हैं, समाज के हर व्यक्ति को सम्मान की बात हो या लोकतंत्र की रक्षा की बात हो, कहीं न कहीं से आज उस पर खतरा नज़र आता है। चाहे कोई चुनाव हो या कानून के पालन की बात हो, तो ये लोकतंत्र कहाँ का लोकतंत्र है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो सबको मत का अधिकार इसलिए दिलवाया था कि गांव की झोपड़ी और गरीब में रहने वाला व्यक्ति भी स्वच्छंद रूप से अपने इस लोकतंत्र के इस पावन पर्व में हमेशा शामिल हो और अपने अधिकारों का प्रयोग करें। इसलिए आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर हम सभी समाजवादी साथी समाज में जाएंगे और समाज के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में एहसास कराएंगे, संविधान में जो उनके अधिकार हैं उनका एहसास कराएंगे। कहीं न कहीं इधर कुछ ऐसी बातें लोगों के दिलों में डाल दी गई हैं, लोग अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रहे, तो उसी संकल्प के रूप में आज हम लोग उनका जन्मदिन मनाएंगे और आज ही नहीं ख़त्म करेंगे, हम लोग प्रतिदिन गांव में जाकर के बाबा साहब के मिशन को बताने का काम करेंगे।